बॉलीवुड की वो स्टार जिनकी आवाज के लाखों दीवाने हैं, जिन्होंने अपने करियर में लगभग सारे हिट गाने दिए हैं। हम बात करें सिंगर नेहा कक्कड़ की, जिन्होंने बहुत कम ही समय में अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है। काला चश्मा, कर गई चुल और दिलबर जैसे कई गाने उन्होंने गाए हैं जो फैंस के बीच धमाल मचाते हैं। लेकिन इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी पापड़ बेले हैं, जिसका सबूत हाल ही में उनके द्वारा शेयर की गई कुछ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने लोगों को एक ऐसी जानकारी दी है जो फिलहाल काफी सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल नेहा ने अपने पुराने घर की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि ये तस्वीर मेरे पुराने घर की है जहां मैं पैदा हुई और हमारा पूरा परिवार एक कमरे में रहता था। इस कमरे में मम्मी ने टेबल रखा था जो हमारा किचन हुआ करता था, और ये कमरा भी हमारा नहीं था बल्कि किराए पर था। अब मैं उसी शहर में अपना बंगला देखती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ। बता दें कि नेहा ने इसी के साथ अपने बंगले की तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में नेहा नीले रंग की ड्रेस में दिखाई दे रही हैं और उनके पीछे एक कार खड़ी है। दोस्तों, ये महज एक तस्वीर नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी के पूरे संघर्ष की दास्तान है, जिसे नेहा ने दो लाइन में बताया है। पर इतना आसान नहीं था उनके फर्श से अर्श तक का ये सफर। भले ही नेहा बॉलीवुड की नंबर वन सिंगर बन चुकी हों, पर उनका बचपन गरीबी में गुजरा। उनका जन्म उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। 4 साल की उम्र में नेहा ने गाना शुरू कर दिया था। बाद में वो अपनी बहन सोनू कक्कड़ के साथ माता की चौकी में भजन गाया करती थी। पढ़ाई के दौरान उन्हें इंडियन आइडल सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट जाने का मौका मिला और यहीं से उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। रियलिटी शो में अपने टैलेंट का दम दिखाकर उन्होंने आज एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है कि आज वो अपने दम पर मर्सिडीज में घूम रही हैं।